अभी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहां से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में, दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मांग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं, मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे एक महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आपको एक बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। उनको इल्हाम था कि ये होगा, जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब दो मेरी प्रार्थना है, एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग, दूसरे इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना,